अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हीरा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर लेते हैं फीमेल हाइजीन टिप्स पे, जो कि टीनेजर्स के लिए भी उतने ही यूजफुल हैं जितने 20s, 30s, 40s वालों के लिए, 50s, 60s वालों के लिए भी। तो फीमेल के हवाले से ये वीडियो है, फीमेल्स इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें आपको पता चलेंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर आप मेरे चैनल पर तो हैं लेकिन आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जल्दी से मेरी वीडियो को देख लिया करें। और उसके साथ ही अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको पिंपल्स आते हैं, आपकी स्किन ड्राई, डैमेज, डल नजर आती है, आपके पास से स्मेल वगैरह आती है, उसकी बहुत बड़ी वजह है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी ना पीना। तो आपने मेक श्योर करना कि अगर आप खुद को, अपनी स्किन को ग्लोइंग, फ्रेश और शाइनी दिखाना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी को अच्छा फिट रखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी गर्मियों में पिएं और सर्दियों में आप 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। दूसरी चीज जो फीमेल हाइजीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है आपके फेशियल एंड बॉडी हेयर। फेशियल एंड बॉडी हेयर को टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या ये हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। देखिए जी, हमेशा के लिए बाल खत्म नहीं होंगे, ये कुदरत ने बनाया है एक निजाम। किसी के बाल थिन होते हैं, किसी के थिक होते हैं, हमेशा के लिए खत्म नहीं होते। ये है कि अगर आप लेजर करवाते हैं तो उससे बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, जहां पर 1 महीने के बाद उनको वैक्स वगैरह करनी पड़ती है। लेजर की वजह से 3-4 महीने आराम से उनके निकल जाते हैं, लेकिन लेजर से भी बाल वापस आते हैं, बेशक उस तरह से बहुत ज्यादा भर भर के नहीं आते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है वैक्स, बेस्ट चीज है। अब वो चाहे आपकी हॉट वैक्स है, कोल्ड वैक्स है, ब्राजीलियन वैक्स है या फिर रिका वैक्स है, तो ये इनमें से कोई भी वैक्स आप करवाएं, बेशक आप अपने फेस की करवाएं, फुल बॉडी की करवाएं, बेस्ट चीज है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है रेजर को यूज करना। अच्छा, रेजर को आप बॉडी पर तो यूज कर सकते हैं, आप अपने फेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आजकल इन है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी अगर हम फेशियल रेजर मुंह पे इस्तेमाल करेंगे तो मर्दों की तरह हमारे बाल ना आने लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मर्दों के बाल आते हैं उनके हार्मोन्स की वजह से, आपके बाल नहीं आएंगे क्योंकि आप में मर्दाना हार्मोन्स नहीं है, सो रिलैक्स रहें। तीसरी चीज जो आप अपने हेयर रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं और देर से जिससे बाल आते हैं वो है थ्रेडिंग। आप अपने फेस की थ्रेडिंग करें, आप चाहें तो आप अपने बॉडी की थ्रेडिंग करें, पार्लर से करें, खुद करें, किसी फ्रेंड, कजन, बहन से करवा लें, नो प्रॉब्लम। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप अपने फेशियल और बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्लीज, आप अपने आप को अगर साफ सुथरा दिखाना चाहते हैं तो अपने फेशियल और बॉडी हेयर अगर आपको बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हैं या मर्दाना लुक दे रहे हैं तो आप जरूर रिमूव करें, ठीक है जी। और उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई है जो कि आपके फेशियल रिमूव किस तरह से आप कर सकते हैं बगैर इन चीजों के, तो वो भी आप देखिएगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनको पतले पतले से बाल होते हैं, ठीक है, चाहे बॉडी पर हो चाहे फेस पर हो। तो आप ये वीडियो देखिएगा और आप इस वीडियो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचें, आपके सामने एक बंदी आई है, बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही अच्छा लुक दे रही है, बहुत ही परफेक्ट किस्म का मेकअप किया है, लेकिन जब वो आपके पास आके बैठती है तो आपको उसके पास से स्मेल आ रही है, कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा। तो अपनी अंडर आर्म्स की एक तो आपने क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि हेयर रिमूवल आपने जरूर करने हैं। हेयर रिमूवल के जो मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं उनमें से जो भी आपको आसान तरीका लगता है आप उसके साथ करो। दूसरा ये है कि अंडर आर्म्स पर आप या तो लेमन या एलम, जिसको फटकरी कहते हैं, उसको आप अप्लाई कर लो जब भी हेयर रिमूव करते हो या जब भी खुद को वॉश करते हो, नहाते उसके बाद अप्लाई कर लो। और लेमन जो है वो नहाने से आप आधा घंटा पहले अप्लाई कर लो। तो जिन लोगों को अंडर आर्म्स स्वेटिंग का मसला होता है या स्मेल का मसला होता है ना, बहुत ज्यादा, वो कंट्रोल में आ जाता है। उसके अलावा मैंने एक आपको होम बेस्ड डिओड्रेंट बनाना बताया जो कि बहुत जबरदस्त है। वो ना सिर्फ ये कि आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल में करता है, स्मेल को खत्म करता है, बल्कि साथ साथ जिनको अंडर आर्म्स डार्कनिंग का इश्यू है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। आपके दांत गंदे हैं, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, या आपके दांतों पर टार्टर लगा हुआ है, अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा ना, तो इसलिए ओरल हाइजीन बहुत जरूरी है। टूथब्रश करो, जरूर करो, हर खाने के बाद करो। उसके अलावा आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप अपने पास, अगर आपको इस तरह का मसला है ना कि आपको खुद अगर फील हो रहा है कि यार बैड ब्रीदिंग का मसला है, क्या करूं, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको घर में ही फ्रेशनर,
माउथ फ्रेशनर बनाना बताया है, आप वो बना के अपने बैग में रख लो और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा प्लीज 6 महीने में एक दफा अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करो, क्योंकि बहुत से लोगों को टार्टर का प्रॉब्लम या फिर बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम इसलिए होता है कि आपके गम्स प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, आपके गम्स अंदर ही अंदर खराब हो रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं इंटीमेट एरियाज की, आप किस तरह से हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। तो देखिए, इंटीमेट एरियाज के लिए एक तो आपको हेयर रिमूवल वहां पर भी रखना है, ताकि आपके जो भी पता क्या, जब आपके बॉडी पर हेयर होते हैं और फिर पसीना वगैरह भी आता है, तो उसकी वजह से कई किस्म के यीस्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होने लगता है, स्मेल आने लगती है, जगह डार्कन हो जाती है, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए आपको एक तो अपने हेयर को या तो आप ट्रिम करके रखो या फिर वैक्स कर लो, ठीक है जी, या फिर उनको आप वैसे ही रेजर से रिमूव कर लो। दूसरा ये है कि आपने हमेशा कॉटन के अंडरगार्मेंट्स आपके होने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को हवा लगती रहे और आपने अपने इंटीमेट एरियाज को हमेशा जब भी आप वॉश करते हैं उसके बाद क्लीन करने के बाद आपने उसको खुश्क जरूर करना है, क्योंकि अगर आप खुश्क नहीं करते ना तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया जन्म लेता है और एज अ रिजल्ट फिर आपको कई किस्म के स्किन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रैशेज आने लगते हैं और आपके पास से स्मेल आने लगती है। फिर है हेयर केयर। हेयर केयर में एक तो आपने हर हफ्ते मसाज जरूर करना है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोग अगर मसाज करते हैं बालों पर ऑयल लगाने के बाद तो हमारे बाल पहले से ज्यादा गिरने लगते हैं। नो प्रॉब्लम, अगर इस तरह का कोई मसला है आपको तो आप अपने बालों में ऑयल को जरूर लगाओ, ठीक है, उसके बाद बेशक आप मसाज ना करो। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ही सख्ती से मसाज करते हैं, नाखूनों से मसाज करते हैं, तो आपने हमेशा फिंगर टिप्स को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से अपना मसाज करना है। मसाज जरूर करो, उसके अलावा प्रोटीन मास्क आप हफ्ते में एक दफा अपने बालों पर जरूर लगाओ। आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों को सॉफ्ट सिल्की शाइनी रखने के अलावा आपके बालों के स्प्लिट एंड्स का मसला भी हल करता है, डैंड्रफ को भी कंट्रोल में रखता है। गीले बालों को कभी भी आपने कॉम्ब नहीं करना, बल्कि आपके बाल जब हल्के हल्के गीले रह जाएं तो आप फिंगर कॉम्ब कर लो। उसके अलावा टॉवल के साथ अपने बालों को कभी भी मत रगड़ो, कॉटन की टी शर्ट रखो, उससे आप अपने बालों को हल्का सा ड्राई करो और उसी को अपने बालों पर रैप कर लो। और स्प्लिट एंड्स का मसला है या नहीं है, मंथली अपने बालों की ट्रिमिंग जरूर करो, बिल्कुल चुनी चुनी सी बेशक कर लो, लेकिन बालों की ट्रिमिंग जरूर करो। आप सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करें। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं हम जब घर में रहते हैं तब भी सनस्क्रीन लगानी है, यस तब भी लगानी है, सर्दी है गर्मी है, जब तक सूरज है आपने सनस्क्रीन लगानी है, किसी भी एज ग्रुप की है। आपको मार्केट से बच्चों की सनस्क्रीन भी मिल जाएंगी और बच्चे बहुत ज्यादा धूप में खेलते हैं, आपने देखा होगा उनके कलर भी खराब होने लगता है, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे और मॉइस्चराइजर भी जरूर लगाएंगे। सनस्क्रीन बहुत से लोग पूछते हैं कोई अच्छी बता दे, तो जो पाकिस्तान में रहते हैं यूएल बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, इसी तरह से सोलैरिस बहुत अच्छी सनस्क्रीन है जो पाकिस्तान में रहते हैं और रिजनेबल प्राइस में मिल भी जाती है। और मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, हर स्किन वालों के लिए होता है, मॉइस्चराइजर ही है जो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हाइड्रेटेड रखता है। तो इन चीजों को आप इस्तेमाल करें और आई एम श्योर कि आप ना सिर्फ ये कि बहुत ही साफ सुथरे और खूबसूरत से दिखेंगे, बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपको खुद भी अच्छा फील होगा। और अगर आपने अभी तक इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे फिर मुलाकात होगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।